मेन इशू है वो इशू है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो उसी मिशन को लेते हुए हम लोगों ने एक संस्था एक बनाई जो 4-5 साल पहले लक्ष्मीनगर शकरपुर के लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं। अभी आपने हमारे प्रधान जी अशोक जी से बात किया जो चीफ इंजीनियर हैं CRRI में। तो हम लोगों का मिशन एक ही मिशन है कि जैसे बाबा साहब ने कहा कि हम खुद शिक्षित हो गए हैं, दूसरों को शिक्षित करना है जी। दूसरों को शिक्षित करने का मतलब कि समाज के दूसरों जो दबा हुआ कुतला हुआ समाज है, जो दबा हुआ समाज है हमारा, उनको भी अपने बराबर लेके आना है। तो हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हमें ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब दिल्ली से बाहर आप जाके देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, जिस तरह से हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन के लोगों को जिस तरह कुचला जा रहा है, उन लोगों को बड़ी दुर्दशा है। तो हमारा टारगेट है उन लोगों को सहायता की जाए, जहाँ भी हमें पता लगता है कि हमारे लोग वहाँ किसी तरह से परेशान हो रहे हैं, किसी तरह से दुर्दशा खराब हो रही है, उनको दुखी किया जा रहा है, सरकार के द्वारा कुचल जा रहा है, तो हम लोग वहाँ उनकी सहायता करते हैं। तो इसी मिशन को आगे लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा एक और टारगेट है कि बच्चों को हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में आगे जाएं। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ा है। इसमें संस्था में करीब आज हमारे 100 से ज़्यादा मेम्बर्स हैं, 100 मेम्बर्स से मतलब करीब 100 फैमिली हैं, तो करीब 500-800 लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग इसी संस्था के माध्यम से हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और यहाँ कैंप भी लगा रहे हैं। और इसी संस्था के माध्यम से जो हमारे समाज के जो लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं 10वीं और 12वीं में, जिन बच्चों को 70% से ऊपर मार्क्स आते हैं, उन लोगों को भी हम सम्मानित करते हैं। वो समाज, हमारे समाज के जो भी बच्चे हैं, चाहे हमारे संस्था के मेंबर हो या ना हो, लेकिन उन सभी बच्चों को हम लोग सम्मान करते हैं और उनको प्रोत्साहित देते हैं कि आगे बढ़ें और तरक्की करें। बहुत अच्छी बात है।